नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों पे। यहाँ दोस्तों, मैं जैसा कि बता दूं, विधानसभा का सत्र आज से चालू हो चुका है और सबसे जो पहला सवाल था विधानसभा बजट सत्र में, वो संविदा कर्मचारियों के लिए ही उठा। संविदा कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा बयान, भर्ती में अंकों का लाभ देने और मानदेय बढ़ोतरी पर रखी बात। यहाँ दोस्तों बड़ी अपडेट देख रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, मैं दोस्तों बता दूं, शर्मा ने सोमवार को कहा कि सरकार संविदा कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। विभिन्न विभागों में से संविदा कर्मचारियों के बारे में मिल रहे आंकड़ों और उनकी मांगों पर मंत्रिमंडलीय समिति लगातार विचार कर रही है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को कहा, सरकार संविदा कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। विभिन्न विभागों से संविदा कर्मचारियों के मिल रहे आंकड़ों और उनकी मांगों पर लगातार मंत्रिमंडलीय समिति विचार कर रही है। दोस्तों, मानदेय में जो बढ़ोतरी की जा सकती है, डॉक्टर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि संविदा कर्मी और प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कार्यरत व्यक्तियों में फर्क है। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को एक साल के लिए 10 अंक, दो साल के लिए 20 अंक और तीन साल के लिए 30 अंकों का लाभ नई भर्ती में देते हुए नियमित करने का काम किया गया है। इसके अलावा जो शेष रहे उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो दोस्तों, बड़ी खबर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छत्तीसगढ़ पे निकल के आ रही है। डॉक्टर रघु शर्मा ने ये बयान दिया है कि विभिन्न भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को 10, 20 और 30 बोनस अंक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो शेष रह गए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों, बड़ा पूरक प्रश्नों का जवाब दिया आज डॉक्टर रघु शर्मा ने, जो चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों की मांगों पर लगातार मंत्रिमंडलीय विचार समिति है जो विचार कर रही है। इसके अलावा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि संविदा कर्मचारी और प्लेसमेंट एजेंसी से कार्यरत व्यक्तियों में फर्क है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बोल्ड मैंने कर दिया है यहाँ पे, एक दो बैठक होने के बाद कोई निर्णय पर पहुंच पाएंगे। चिकित्सा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2019 में एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया था, जिसकी कुल 5 बैठकें यहां पे हो चुकी हैं। अभी इसके बारे में सुझाव आ रहे हैं, एक दो बैठक होने के बाद कोई निर्णय पर पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पे चिकित्सा मंत्री ने कहा कि एक दो बैठक की अभी और होनी है, इसके बाद संविदा कर्मचारियों के बारे में निर्णय हो जाएगा। कुल 24,303 संविदा कर्मचारी कार्यरत। मैं बता दूं, इससे पहले विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में विभाग में, दोस्तों ये विभाग चिकित्सा विभाग की बात कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में उन्होंने 24,303 संविदा कर्मचारी कार्यरत होना बताया है। उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों से विभाग द्वारा किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया। संविदा कर्मचारी को नियमित किए जाने एवं अन्य समस्याओं के विचार पर राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। इन्होंने आगे बताया कि बकाया जो भुगतान है संविदा कर्मचारी को, वह शीघ्र कर दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर में 113 कार्मिक का वित्तीय वर्ष 18-19 का 30 लाख का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया गया, जिसके कारण इस वित्तीय वर्ष 19-20 में सितंबर 2019 में बाड़मेर जिले के कार्मिकों का भुगतान नहीं हुआ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर के अधीन 52 कार्मिकों का नवंबर 2019 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर द्वितीय के अधीन सांगानेर ब्लॉक के 39 कार्मिकों का अगस्त 2019 से बालोतरा उप जिला चिकित्सालय के 5 कार्मिकों का भुगतान जुलाई 2019 से बकाया है। उन्होंने बताया कि जिला बाड़मेर जयपुर द्वितीय एवं डूंगरपुर को आवश्यकता अनुसार बजट आवंटित यहाँ पे कर दिया गया है।
उक्त कार्मिकों का जो भुगतान है अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय समिति गठित है। मैं बता दूं, डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच के अंतर्गत जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू में 149 कार्मिकों को अक्टूबर 2019 से, गंगानगर के 7 कार्मिकों को अप्रैल 2019 से एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गंगानगर के 8 कार्मिकों का मानदेय मार्च 2018 से बकाया है। इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा चुका है, जिससे कार्मिकों को बकाया राशि का भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य संविदा कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमोदित PIP में स्वीकृत दर के अनुसार मानदेय में अभिवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। संविदा कर्मचारी की विभिन्न समस्याएं जिसमें वेतन एवं मानदेय वृद्धि शामिल है पर विचार के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय समिति गठित है। तो दोस्तों, बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्रसंघ पे। आज विधानसभा सत्र चालू हुआ विधानसभा में, जिसपे पहला जो क्वेश्चन था वो संविदा कर्मचारी को लेकर जो विधायक है इन्होंने पूछा कि संविदा कर्मचारियों से संबंधित क्वेश्चन संदीप जी शर्मा ने यहाँ पे पूछा है, जिस पे सरकार ने जवाब दिया। सरकार का बड़ा बयान, भर्ती में अंकों का लाभ देने और मानदेय बढ़ोतरी की यहाँ पे बात रखी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये बताया कि संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का निर्माण किया जा चुका है, जो संविदा कर्मचारियों की समस्याओं और उनके आंकड़ों पर लगातार अध्ययन कर रही है। इन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों और प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, उनमें फर्क है। इन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों को जो नियमित भर्ती है उनको 1 साल के लिए 10, 2 साल के लिए 20 और 3 साल और उससे अधिक के लिए 30 अंकों का लाभ देते हुए नियमित भर्ती में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो शेष बच गए हैं उनके मानदेय बढ़ोतरी का फिलहाल विचार किया जा रहा है, उस पर मंत्रिमंडलीय समिति विचार कर रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, इसके अलावा जो शेष रह गए हैं उन संविदा कर्मचारी के मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है, उस पर मंत्रिमंडलीय समिति विचार कर रही है। बड़ी अपडेट। इसके अलावा ये भी इन्होंने कहा है कि 1-2 बैठकें होने के बाद निर्णय पर पहुंच पाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में जो संविदा कर्मचारी लगे हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2019 में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जा चुका है, जिसकी टोटल 5 बैठकें यहाँ पे हो चुकी है। अभी सुझाव आ रहे हैं, 1-2 बैठकें होने के बाद यहाँ पे निर्णय पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अभी 1-2 बैठकें और होना यहाँ पे बताया गया है, जिसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में टोटल कुल 24,303 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्होंने संदीप शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए बताया, इसके अलावा जिन संविदा कर्मचारियों का भुगतान बकाया है उनको भी भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, इसके लिए बजट इनको आवंटित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि संविदा कर्मचारियों पर सरकार संवेदनशील है, गंभीर है, जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा बयान, भर्ती में बोनस अंकों और मानदेय में बढ़ोतरी पर यहाँ पे बात रखी है। माननीय मिनिस्टर ऑफ स्वास्थ्य विभाग रघु शर्मा जी ने यहाँ पे बात रखी है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों के लिए डॉक्टर BD कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो लगातार संविदा कर्मचारियों की समस्याओं और आंकड़ों पर विचार विमर्श कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है। वर्ष 2019 में समिति का गठन किया गया, जिसके टोटल 5 बैठकें यहां पे हो चुकी है। 1-2 बैठकें होने के बाद संविदा कर्मचारी पर बड़ा फैसला लिया जाएगा, इसके अलावा मानदेय बढ़ोतरी पर भी यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15-20% मानदेय बढ़ोतरी पे यहाँ पे कमेटी सहमति जता रही है और जल्द ही ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसा कि आज दोस्तों यहाँ पे रघुजी शर्मा ने भी बता दिया कि जो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे चर्चा चल रही है। बड़ी अपडेट। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।